शाहरुख और अनुष्का की फिल्म जब हैरी मेट सेजल को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 4 दिन पूरे हो चुके हैं। इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से तो कुछ खासा अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं, वहीं लगता है लोगों में भी किंग खान की इस फिल्म को लेकर कुछ खासा एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है। इस फिल्म ने अपने पहले दिन पर महज 15.25 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसके बाद लोगों को लगा कि ये फिल्म दूसरे दिन कोई खास कमाल करेगी, लेकिन इस फिल्म ने दूसरे दिन पहले दिन से भी कम महज 15 करोड़ का कारोबार किया। अपने वीकेंड पर भी इस फिल्म ने सिर्फ 15.50 करोड़ की कमाई की। लोगों को उम्मीद थी कि ये फिल्म रक्षाबंधन पर शायद कोई कमाल कर जाए, लेकिन फिल्म ने चौथे दिन भी निराश किया। बता दें कि इस फिल्म ने चौथे दिन मात्र 7.15 करोड़ का ही बिजनेस किया, यानी कि ये फिल्म अब तक कुल 52.90 करोड़ का आंकड़ा ही पार कर पाई है। फिल्म के बजट की बात करें तो ये फिल्म 70 करोड़ के बजट से बनकर तैयार हुई है। इस फिल्म को भारत में लगभग 4000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म लोगों को लगता है कुछ खासा पसंद नहीं आई है। इस फिल्म के जरिए अनुष्का और शाहरुख तीसरी बार बड़े पर्दे पर नजर आए हैं, जहां फिल्म में इन दोनों की एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई है, वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म थोड़ा बोर भी करती है। शाहरुख की इस फिल्म का हाल देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि अब शाहरुख के दिन गए। फिर अब देखना तो ये दिलचस्प रहेगा कि ये फिल्म अपने फर्स्ट वीक तक कितना कलेक्शन कर पाती है। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।